बिजनौर जंगल में वन्य जीव शिकारियों को वन विभाग ने दबोचा। जंगल में वन्य जीव जानवरों का शिकार करते हुए पकड़ा। पकड़े गए 6 शिकारियों के पास से 2 हिरण के सींग और तमंचा हुआ बरामद। वन विभाग ने 6 शिकारियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। थाना नजीबाबाद की कोड़िया रेंज के जाफराबाद इलाके का मामला। संवाददाता ताबिश मिर्जा की रिपोर्ट। ये जो वन विभाग से कबूतर भी पकड़े गए हैं हिरण का मामला, क्या है पूरा मामला ये सर? जंगल में गश्त के दौरान जी ये प्रवर्तन दल और हमारा और कोड़िया रेंज का जो वन कर्मी वो जंगल में गश्त कर रहे थे तो 5-6 संदिग्ध लोग दिखाई पड़े। तो उनको जब पकड़ा गया, उनकी जामा तलाशी ली गई, तो उनके साथ कुछ उनके साथ उनके पास कुछ हथियार और एक हिरण की सींग भी बरामद हुई। जो पकड़े गए हैं उनके नाम है सलीम इकरार, समीम अहमद, मोहम्मद आलम, राहुल और वसीम अहमद। इनको जो पकड़ने की इनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो हम कौड़िया रेंज और सहारनपुर रेंज में पिछले जो अवैध कटाने हुई थी उनमें ये संयुक्त अपराधी थे। राहुल प्रजापति जिसमें एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था जिसको हम लोग वन विभाग काफी दिनों से खोज रहा था और वो इसमें पकड़ा गया। वो कौड़िया रेंज में अवैध कटान में और सहारनपुर के रेंज में अवैध कटान में कई सारे केसेज में संलिप्त था। तो ये हमारे कर्मचारियों की बड़ी सफलता रही है कि एक बहुत शातिर अपराधी हमारा। सर कब से कर रहे थे ये काम, अगर कुछ पता चला? ये हमारे अगर केसेस में मैं देखूं तो ये पिछले 2-3 वर्षों से इन सब मामलों में लिप्त था। क्या क्या चीजें बरामद हुई इनके पास? इनके पास अवैध असलाह में एक अवैध असलाह, कुछ जिंदा कारतूस, एक हिरण का सींग और हमने 4 गाड़ियां इनकी पकड़ी। एक सेंट्रो है, एक कैंपर है, एक कैंटर है और एक महिंद्रा पिकअप है।